हेलो फ्रेंड्स, भारत भूषण एडवोकेट। अब हम अपने जीएसटी कम्प्रीहेंसिव कोर्स का 13th चैप्टर करेंगे, जिसमें हम वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट बी पार्ट करेंगे। ये पार्ट में हमने सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू सोल कंसीडरेशन नहीं हो या सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टी हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी और वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। आज हम इसमें लेंगे कि जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू सोल कंसीडरेशन नहीं हो तो वह उसमें वैल्यूएशन कैसा होगा। ये रूल वन ऑफ वैल्यूएशन रूल्स में कवर है। आइए इसके प्रोविजंस देखते हैं। पहला कहता है, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इज फॉर ए कंसीडरेशन नॉट होली इन मनी, जहां कंसीडरेशन पूरा मनी में ना हो, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल, जहां पर कंसीडरेशन जो है वो पूरा पैसे में रुपए में नहीं टर्म में नहीं हो तब कैसे होगा। पहला एक कहता है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस सप्लाई की जो मार्केट में ओपन अदरवाइज वैल्यू है, जो दूसरों के केस में वो वैल्यू हो वही वैल्यू एक्सेप्ट होगी। इन चीजों को आगे रूल्स में ही एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, हम वहीं पर देखेंगे। पहला कि अगर कंसीडरेशन होली इन मनी नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं होगी। इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर ओपन मार्केट वैल्यू उसकी अवेलेबल नहीं है, बी द सम टोटल ऑफ कंसीडरेशन इन मनी एंड एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्वल टू द कंसीडरेशन नोट इन मनी, तो उसका जोड़ होगा जो मनी में है या प्लस जो कंसीडरेशन मनी में नहीं है, इन काइंड है या किसी और फॉर्म में है, उन दोनों का जोड़ होगा वो उसकी असेसेबल वैल्यू होगी। तीसरा, ये पहले ए होता है तो ए लगेगा, ए नहीं लगेगा तो बी लगेगा, सीक्वेंशली फॉलो करना है ए बी सी को। इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर ए और क्लॉज बी, ए और बी दोनों लागू नहीं होते तो सी लागू होगा। वो कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो सिमिलर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की वैल्यू है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू सप्लाई की अवेलेबल नहीं है, बी में एडिशनल कंसीडरेशन जो मनी में नहीं है उसको जोड़ के भी नहीं निकल पा रहा, तो सिमिलर सप्लाईज की जो वैल्यू है वो लग जाएगी। अगर ए बी सी तीनों ही नहीं लग रहे तो द सम टोटल ऑफ कंसीडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इन मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसीडरेशन नोट इन मनी एज डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 4 और 5 इन दैट ऑर्डर, तो रूल 4 और 5 को सिक्वेंशली फॉलो करना है। रूल 5, 4 जो है वो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड है, कैश 4 में वैल्यू करना, 10% लोड करना, ये जब हम रूल 4 करेंगे वो, और रूल 5 जो अदर रीजनेबल मेथड्स, तो पहले इसको सीक्वेंशली फॉलो करना है। पहला अगर होली इन मनी नहीं है तो सबसे पहले उसकी मार्केट वैल्यू जो हो उस सप्लाई की, अगर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो जो मनी में कंसिडरेशन है प्लस एडिशनल कंसिडरेशन जो आ रहा है जो मनी नहीं है उसमें कन्वर्ट करते हुए, अगर उस तरह से भी नहीं हो सकता तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू लेनी है। अगर तीनों से नहीं हो सकता तो पहले कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड बाय वे ऑफ कैश 4 और 10%, अगर उससे भी नहीं हो पा रहा तो अदर रीजनेबल मेथड जो रूल 4 और 5 में है, 5 में है, वो भी सीक्वेंशली फॉलो होने हैं। जब ये रूल 4 और 5 जब हम वहां पर डिस्कस करेंगे तब समझ लेंगे। अब इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं, पहले हाँ ओपन मार्केट वैल्यू, जो हमने यहां पर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स की बात की थी वो क्या है, और एक सिमिलर सप्लाई की, दोनों टर्म्स रूल्स में डिफाइंड है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज आर बोथ मींस द फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स एंड द सेसेस पेएबल बाय ए पर्सन इन ट्रांजेक्शन, वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन टू ऑब्टेन सच सप्लाई। तो वो कहता है ओपन मार्केट वैल्यू वो है जहां वो उस चीज का जो किसी और को दे रहा है, जहां पर रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन जीएसटी के टैक्सेस उसमें नहीं जुड़ेंगे, मतलब जो बाकी सिचुएशंस में उस सप्लाई की जो वैल्यू है जो उनकी असेसेबल वैल्यू है वो जो वैल्यू होगी वो यहां लग जाएगी, ये ओपन मार्केट वैल्यू हो गई। लाइक काइंड एंड सिमिलर सप्लाईज की वैल्यू वो कैसे डिटरमाइन होगी, means any other supply of goods or services are both made under similar circumstances,
दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ करेक्टर्स क्वालिटी क्वांटिटी फंक्शनल कंपोनेंट्स मटेरियल एंड रेपुटेशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ फर्स्ट मेंशनड इज द सेम एज ऑफ क्लोजली एंड सब्सटेंशली रिजेंबल दैट सप्लाई ऑफ गुड्स आर बिल्कुल हर एस्पेक्ट में जो सिमिलर सप्लाई हो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो होगी लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो सिमिलर गुड्स की हम बात कर रहे हैं. अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए वो एग्जाम्पल देख लेते हैं. वेयर ए न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर रुपीज 20,000 अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000 द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू फोन इज 24,000. ये पहले ही आ गया कि एक एक्सचेंज स्कीम में एक मोबाइल कंपनी फोन बेच रही है, कहती है पुराना फोन ले आओ और नया फोन ले जाओ. एक्सचेंज स्कीम में वो 20,000 में दे रही है, अदरवाइज उसकी 24,000 वैल्यू है, तो ऑब्वियस एक लाजमी कवर हो जाता है. जहां पर ओपन मार्केट वैल्यू में अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू फॉर चार्जिंग जीएसटी 24,000 होगी. बी अब दूसरा एग्जाम्पल दिया. वेयर ए लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर रुपीज 40,000 अलोंग विद ए बार्टर ऑफ प्रिंटर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रेसिपिएंट. वो लैपटॉप दे रहे हैं प्रिंटर बनाने वाले को और प्रिंटर बदले में एक प्रिंटर ले रहे हैं और प्रिंटर की मार्केट वैल्यू नोन है उस टाइम जो 4,000 रुपए है, 40,000 में वो दे रहे हैं, तो बी क्लास में कवर हो गया. जो एडिशनल कंसिडरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू पता है हमें, मार्केट ओपन मार्केट वैल्यू 40,000 रुपए में मिल रहे हैं, तो बी जो बता रहा था तो सम टोटल कंसिडरेशन इन मनी ऑफ वैल्यू मनी रिसीव्ड एंड एडिशनल कंसिडरेशन की मनी जो प्रिंटर की 4,000 है, तो दोनों को जोड़ के 44,000 हो गया. ये दो ही एग्जाम्पल रूल्स में दिए हुए हैं. लेकिन क्या ये प्राइस जहां सोल कंसिडरेशन नहीं होता वहां पर इसी तरह के बार्टर सिस्टम ही हो सकते हैं जहां पर वैल्यू एडिशन हो सकती है? रूल्स ने तो दो एग्जाम्पल दिए हैं लेकिन ये यहीं पर लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप बहुत वाइड है. और हम अब एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेंगे इसका, जिसको हम समझेंगे एक फेमस जजमेंट जो अभी रिसेंटली आई है उससे. इस एडिशनल कंसिडरेशन का एक्सट्रीम एग्जाम्पल को हम सुप्रीम कोर्ट की फिएट इंडिया लिमिटेड के केस की जजमेंट से समझ सकते हैं. फिएट इंडिया लिमिटेड जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट में से आई है, इसके अंदर क्या था? फिएट इंडिया लिमिटेड ने जब हिंदुस्तान में फिएट उनो कार बेचनी शुरू की तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे बेच रहे थे. रीजन क्या था? कि वो मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते थे. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये ट्रांजेक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास एडिशनल कंसिडरेशन आ रहा है. जो आप मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हो, मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, अदर से कम्पीट करना चाह रहे हो, इसके लिए जो लॉस में आप बेच रहे हो, तो जो आपका प्राइस चार्ज है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं हो सकती. और उसके असेसेबल वैल्यू को उन्होंने कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड से जो असेसिंग ऑफिसर ने की थी उसको पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर ली. ये जीएसटी में भी मुझे लगता है कि स्क्वेयरली एप्लीकेबल है ये जजमेंट, लेकिन बहुत एक्सट्रीम है, बहुत कॉशियसली अप्लाई करनी चाहिए. लेकिन मैं समझने के लिए एक एक्सट्रीम एंड को ले रहा हूं. इसको हम प्रेजेंट सिनारियो में डिस्कस करना चाहें तो इसका लाइव एग्जाम्पल है जो रिलायंस जियो के जो प्लान्स हैं. वो रिलायंस जियो ने अपने शुरू के 7-8 महीनों में विदाउट एनी कंसिडरेशन अपनी सर्विसेज दी हैं. तो क्या अगर उस टाइम जीएसटी होता तो क्या उन पर जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो कंसिडरेशन कलेक्ट नहीं कर रहे? लेकिन यहां पर भी फिएट की तरह ही वो मार्केट में पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे, बाकियों से कंपीट कर रहे हैं, तो जीएसटी पहले तो नील प्राइस था, अभी भी बहुत नॉमिनल प्राइस में कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे नहीं हो सकता. एडिशनल कंसिडरेशन वहां आ रहा है, वो कोई जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट से आए. एडिशनल कंसिडरेशन कहीं से भी आ रहा हो वो उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में जुड़ेगा. एडिशनल कंसिडरेशन यहां पर एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन है जो उनको मार्केट कैप्चर करने में मदद कर रहा है. देखते हैं कि क्या सरकार इनसे पंगा ले पाएगी. लेकिन ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जहां पर सोल कंसिडरेशन को एक एक्सट्रीम पे ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई आदमी कंसिस्टेंटली लॉस पे बेच रहा हो विद द इंटेंट टू कैप्चर मार्केट, तो भी वो जो क्लाइंट से जो पैसा रिकवर कर रहा है वो सोल कंसिडरेशन नहीं होता. जो मार्केट कैप्चर करने की इंटेंशन जो है वो भी एडिशनल कंसिडरेशन है. मैंने
बिल्कुल प्रिलिमिनरी एग्जांपल्स रूल में दिए हुए हैं, एक एक्सट्रीम एग्जांपल हमने समझ लिया, इसके बीच में बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में बाकी रूल्स समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।